फैमिली जी नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आज है 1 जनवरी, यानी कि नए साल 2024 की पहला दिन। तो पहला दिन की और नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी छोटी सी फैमिली की तरफ से, यानी कि हम सब की तरफ से। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बेटा, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बेटा। पापा का आशीर्वाद दो, पापा का आशीर्वाद दो, पापा का आशीर्वाद दो। हाँ, मैं लक्ष्मी बेटी है। हैप्पी न्यू ईयर सुहाना के मम्मी। हैप्पी न्यू ईयर फैमिली, हैप्पी न्यू ईयर आपको भी। सुहाना दोस्तों को बोलो हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। हाँ, और अभी सुबह सुबह जो है सुहाना नाश्ता कर रही है, ब्रेड और कुछ है शायद, सॉस वॉस। हाँ, ब्रेड रोल खा रही हो ना बेटा? खाओ खाओ। आज है नया साल, तो अभी मुझे पूछते हैं कि कहाँ घूमने जाना है और क्या खा कर निकलना है। या आपकी पूरी डिमांड पर आज से हम आपके कह सकते हैं पति देव भी है, लेकिन आपके आगे पर चलेंगे। बोलिए बोलिए, क्या क्या करें? तो आज हम नया साल का शुरुआत करेंगे कुछ मीठा खाने से। हाँ? तो हम आज बनाएंगे सेवई का खीर। हाँ? पूरी। हाँ? प्लेन पूरी और सब्जी। हाँ? तो आप जाके जल्दी से दूध ला दीजिए, तब तक मैं सारा कुछ कर लेती हूँ, ठीक है? नहावा लेती हूँ। ठीक है, मैं भी आके नहाऊंगा, फिर पूजा करूंगा, फिर खाएंगे, ठीक है? तब तक दूध लाने चलता हूँ दोस्तों और सेवई। आज नया साल है दोस्तों, और देखिए काफी सारा शटर बंद है और मार्केट में भी थोड़ा कम चहल पहल है। और आजकल एक जो है एक चीज सुर्खियों में छाया हुआ है, और ये है कि ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर सबके लिए, या शायद और भी ड्राइवर सबके लिए एक सूचना प्रसारण किया गया है गृह मंत्रालय से, इंडिया के गृह मंत्रालय से, कि कोई भी ड्राइवर से अगर एक्सीडेंट होती है और एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाती है तो 7 लाख रुपया दंड, यानी कि फाइन लगेगा और 10 साल की जेल। और अगर वो जो ड्राइवर है एक्सीडेंट करके पेशेंट को ले जाते हैं हॉस्पिटल, तो 2 साल की छूट, 8 साल की जेल तो होनी ही है और दंड तो लगना ही है। तो ऐसा कुछ नियम है, तो ट्रक वाले ड्राइवर, बस वाले ड्राइवर सब ने हड़ताल किया हुआ है। कुछ कुछ दुकान जो है खुले हुए हैं, देखिए चाय दुकान सब। हमको लेना है दूध, दूध इस दुकान में मिलते हैं। तो दूध और सब मैंने ले लिया है, अब सीधा चलते हैं बीमू के पास और पकाते हैं, खाते हैं, न्यू साल मनाते हैं। फिर से मुझे वापस मार्केट ही जाना पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि बीमू जी ने कॉल की थी, उनको नहाने के लिए साबुन चाहिए। कौन सा साबुन बोली थी? डव बोली, डव, छोटा वाला डव, नहीं तो कोई लक्स साबुन मिल जाए। तो चलिए, दुकान वकान तो बंद है, अगर मिल जाए तो ले लेते हैं। तो मिल चुका है हमको डव साबुन, 27 रुपये। हम आ गए सुहाना, नहा लिए बेटा आप? हाँ हाँ, सुहाना नहा लिए है, और मैं इसको रख देता हूँ किचन में। A few moments later. मैं नहा के फ्रेश हो चुका हूँ और सूर्य देवता को जल अर्पण भी कर दिए। हालांकि आज के दिन में तो सूर्य उदय नहीं हुए हैं। सूर्य देवता आज के दिन दिखेंगे नहीं? हाँ, नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने श्रद्धा से कर दिए हैं, पूजा भी कर लिए हैं। और आप सभी को अब कहते हैं थोड़ा स्वच्छ होके हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष 2024 की आप सभी को हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। जी पहनी हुई है लेवेंडर कलर की नई टी शर्ट या हुडी भी कह सकते हैं, और भी सुहाना पहनी हुई है पूरा न्यू। देखिए इनका ये रिटर्न हो जाएगा क्योंकि ये डिफेक्टिव पीस आ गया। हाँ, पॉकेट नहीं है, पॉकेट नहीं है, बड़ा भी हो रहा है। कुछ देर बाद देखिए यहाँ पे कुछ बन रही है लोटा में, और इसमें क्या है, इसमें इसमें बन रही है सब्जी, और यहाँ पे है रोटी, खीर बन गया है। ये सब का खीर बन चुके हैं। रोटी नहीं, आज रोटी नहीं बन रहा आज के दिन। क्या है ये? इसको पूरी बनाएंगे। अच्छा, पूरी, रोटी नहीं, पूरी, सब्जी, काढ़ा, खीर, कितना चीज बना है ना। चावल बन गया उधर? चावल बन गया। हाँ, चावल भी बन गया। चलो दोस्तों खाते हैं चावल, फिर मिलते हैं आप सबसे। तो हो गई है आज की नाश्ता, बोले या खाना बोले, क्या बोले बीमू जी? आज की नाश्ता बोलिए। नाश्ता, नाश्ता या खाना, कुछ भी बोलिए, कुछ भी। तो चलिए न्यू ईयर की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक दो पूरी, दो पूरी सिर्फ सुहाना आप, और सिर्फ दो पूरी खाओगी? और हम, आप खाइए ना, मैं बेल रही हूँ तब तक। मैं खाऊ? सारा पूरी जल रहे हैं, वो दो भी डालो सब। सुहाना आ जाओ, बल लग गया यहाँ पे खाना। सुहाना खीर तो खाई थी और घी चावल नून मेरे साथ भी खाई थी, तो अभी ये बाकी पूरी खीर सब्जी,
खाइए, देखने में कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। आप पहले खा के बताइए टेस्ट करके कैसा लग रहा है। आप उधर बैठो, आसन ग्रहण अच्छे से लगाओ, खा के बताइए कैसा है। अच्छा है, वाह। अभी आ गई, बैठो बैठा बैठो। हाँ, इतना दूर बैठोगी थाली से? अच्छा है, खीर तो आप पहले ही खाई थी, कैसा सब्जी खा के बताओ कैसा लगा खीर? बहुत अच्छा है। मैं टेस्ट करता हूँ दोस्तों, कैसा बना है। सो यम्मी, सुना सो यम्मी। थोड़ा सा खीर भी टेस्ट करते हैं। बहुत मीठा है दोस्तों खीर। तरकारी भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है ना? चलो खाओ। The next day. फैमिली गुड मॉर्निंग। यह अगला दिन, कल का दिन काफी धुंध था और हड़ताल होने की वजह से हम कहीं घूमने भी नहीं गए। और भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि हम आपको आगे बताएंगे कभी फुर्सत में, है ना। पहले तो आज आप लोग से शुरुआत करते हैं एक गर्मा गर्म चाय से। चाय में एक बिस्किट हो जाता है ड्रीम लाइट तो बहुत अच्छा होता, लेकिन जब तक बिस्किट लाने जाएंगे तब तक चाय ठंडी हो जाएगी। और एक चीज हमको और पता है कि दरभंगा में हमारे YouTube फैमिली बहुत है और यहाँ पे हमको जानने वाले बहुत है, आप सब की हमें मदद लगेगी। तो आज किचन में बनने जा रही है, क्या है ये? ये ना चाकू से बहुत टाइम लगता है मुझे सब्जी काटने में, बहुत ज्यादा। ऐसा क्या? तो चलिए, बहुत लोग जल रहे हैं, बाहर बाहर से खबर आ रहा है कि कुछ लोगों को बहुत जलन हो रही है और धुआं निकलने लगा है। ऐसी बात नहीं, हम लोग में ऐसी क्या ही चीज है जो लोग हमसे जलेंगे, उसका भी रीजन दिए हैं। कमेंट कल लोग एक कमेंट आया था कि आप में है क्या ऐसी जो हम लोग जलेंगे। सही बात है, हम लोग तो ऐसे फेंके हुए लोग है, कौन जलेगा हमसे। अब ऐसी बात मत बोलिए कि जलते हैं, चलिए छोड़ दीजिए, कुछ भी हो हम लोग सच में ऐसे लोग नहीं है, इतने बड़े पर्सनालिटी हम लोग के नहीं है कि कोई जलेंगे हमसे। ठीक है, अपना काम करते है, जो जिसको जो लगता है लगने दीजिए। आप बोलते हो कि ऐसी कौन सी बात है कि हमसे लोग जलेंगे ना, मैं इस पे बोल सकता हूँ कैसे। डेली हम लोगों को 10-20 हजार लोगों का प्यार मिलता है। ये चीज सब लोग पसंद करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, इतना पसंद करते हैं कि लोग ना, एक बात है जो लोग मतलब हमको पसंद नहीं करते वो क्या करते हैं, हमारे वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाते हैं, वहाँ पे लिखते हैं इतना अच्छा अच्छा कमेंट्स, फिर उन लोग को बुरा लगता है। मुझे बोलते हैं, एक ऐसी थी जो मुझे क्या बोल रही थी कि आप लोग की वीडियो में ऐसी क्या रहते हैं जो आपको इतना लोग पसंद करते हैं। यहाँ तक कि हमारे यूट्यूबर दोस्त जिनसे हम मिले हैं, गए थे बिजेरिया के झारखंड गए थे, वहाँ पे कितने सारे यूट्यूबर थे, लेकिन सबके यूट्यूबर के कमेंट आ रहा था कि हमें तो बिमला विकास का इंतजार है, यानी कि हमारे इंतजार था। तो साहब हमसे पूछ रहे थे वहाँ पे कार में, पूछ रहे थे कि क्या है मतलब आपकी ऑडियंस आपको इतना प्यार क्यों करते हैं। हम बोले कि आप उनका प्यार है। बात हम उस टाइम पे शेयर भी की थे आप लोगों से कि आप लोग वहाँ पे जितने भी लोग थे उसमें से हो सकते हम सबसे छोटे थे या फिर मतलब छोटों में से एक हम भी थे, ज्यादा मतलब ज्यादा हम लोग का व्यूज नहीं आ रहा था या ऐसी ही कुछ चीज, लेकिन उनमें से जितने भी लोग थे उनमें से जितने भी लोग का कमेंट आता है सबसे ज्यादा पॉजिटिव कमेंट आने वाले हमारा ही चैनल। इसलिए आप लोग से हम मतलब उस टाइम पे बहुत ज्यादा शुक्रगुजार भी थे और अभी भी है, और इसलिए हम आप सबको बहुत बहुत ज्यादा धन्यवाद भी किए थे। और ये बात सुन के ना वहाँ पे हमको देख के रोना भी आ गया था कि मतलब आप लोग इतना स्पेशल बनाते हैं, फील करवाते हैं, इतना प्यार करते हैं। जितने भी लोग हमको गिफ्ट भेजते हैं हम कितना मना करते हैं, हमको पता है आपको पता है और जो भेजते हैं उनको पता है, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत जबरदस्ती करके प्यार का वास्ता करके फैमिली का वास्ता दे करके वो हमको गिफ्ट भेजते हैं, और वो गिफ्ट देख कर भी काफी लोगों की जलन होती है। बहुत जलन होती, इतना जलन उसका लेवल नहीं है, इनको गिफ्ट क्यों देता है और इतना महंगा महंगा गिफ्ट भी दे देते हैं ना, जिससे भी वो लोग बहुत जलते हैं। एक गिफ्ट मुझे एक बात याद आई, मधुबनी की एक सिस्टर है तो वो गिफ्ट पैक करवा के रखी है, उस दिन आते हमसे मिलने दरभंगा, लेकिन उसी दिन उनका ना एग्जाम पड़ गया तो वो नहीं आए। और मुझे जब इंस्टाग्राम पर बात की तो फोटो खींच के भेजी, देखिए दीदी आपके लिए ना मैं गिफ्ट भी पैक करवा के रखी हूँ। मैं उनको मना की, बल्कि अब वो बोल रहे कि नहीं अब पैक हुआ है तो आपको देंगे ही हम, जब मुझे मैं आपसे मिल पाऊँ तब मैं दूंगी। इतना प्यार जो हमसे मिल रहा है तो कुछ लोगों को तो खटकेंगे ही ना, तो आपको मिल गया जवाब कि क्या है हमारे पास जो लोग जलेंगे, मिल गया आपको जवाब। जी लाइट तो ऑन कर ही सकते हैं ना एक मिनट के लिए,
तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग जो है बाइक ले आए हैं, बहुत ही जरूरी काम है जिसके लिए भी हम बाहर चल रहे हैं। नेक्स्ट ब्लॉग देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि हम कहाँ चल रहे हैं। इतने धुंध है, इतने ठंड है, लेकिन फिर भी हमको जाना पड़ेगा बाहर। सुहाना खा रही है दाल चावल चोखा, भी मुझे अपना मस्त काम कर रही है, मस्त कम काम काम कर रही हो ना। वेरी गुड बेटा, काम करो ताकि दुख से जल्दी निकले बाहर। हाँ बेटा, हम भी खाएं, हमको भी भूख लगा है। सुहाना बीमू जल्दी खाते हैं। तो अभी हम खाना खा लिए हैं, पानी भी गर्म कर लिए हैं, पानी पीकर सुहाना, देखिए हम सब लोग खाना खा लिए लेकिन सुहाना अभी तक खा रही है, इनका खत्म ही नहीं हो रही है। कितना टाइम लगेगा बेटा, फास्ट में खाओ ना। ओके ओके। और एक चीज़ पे हम आज बात किए थे आप सभी से कि हाँ, बहुत सारे हमारे YouTube फैमिली है जो कि प्यार से अपने मन से खुशी के लिए कुछ हमें तोहफा दे देते हैं, तो उस पर कुछ बहुत सारे हेटर्स हैं और जलने वाले लोग भी हैं, तो उनका ये सब भी कमेंट रहता है कि तुम लोगों को क्यों इतना गिफ्ट मिलता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, तो हम लोग तो फिलहाल अभी नॉर्मल सा यूट्यूबर है, बड़े लेवल पर पहुंचे नहीं है, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा ब्लॉगर कौन है, सौरभ जोशी, शायद सबको पता होगा। वो महीनों का करोड़ों कमाते हैं, 1 करोड़ से ऊपर उनका मंथली इनकम है, उनको भी सब्सक्राइबर की तरफ से गिफ्ट मिलता है। मनीषा रानी बिहार की है जो इतनी फेमस हुई है हाल ही में, बिग बॉस से निकली है, उनको हाल ही में बहुत अच्छा खासा गिफ्ट मिला है सब्सक्राइबर की तरफ से। हम भी एक यूट्यूबर है, हमें भी प्यार करने वाले बहुत है और वो भी कुछ ना कुछ भेज देते हैं। तो जो भी क्रिएटर है ना, कोई भी, वो मना ही नहीं कर पाएगा दोस्तों। शुरुआत में मना कर, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर पाएगा, नहीं आप हमें नहीं दे सकती हूँ। फिर सामने से भी कुछ रिप्लाई आता है ना, नहीं हम देंगे ही, अगर आप हमसे प्यार करते अपना फैमिली मान तो आपको लेना होगा, तो हम फिर क्या कहेंगे, ऐसे ही बोलते हैं, उनकी भावनाओं में बह जाते हैं और उनका दिल ना दुखे इसलिए जो भी वो देते हैं हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये सब जो है दोस्तों प्यार है, और प्यार से कुछ भी मिलता है तो हम एक्सेप्ट करते हैं। बोलते हैं कि आप लोग ब्लॉग में बोलते हो कि हम आपके फैमिली है, फैमिली को कौन मना करता है, मना करता है लगते। तो इस वजह से तो ये सारे चीजें हैं, ये सब सारे बताने के कारण ये है कि जो जलने वाले हैं और जो हेटर्स हैं वो थोड़ा अपने जलन पे थोड़ा कंट्रोल करें। और हाँ, कमेंट करते हैं, कोई बात नहीं, आप कमेंट करते रहिए, ब्लॉक करने के लिए तो हम बैठे हैं यहाँ पे। आपका ये कमेंट दिखा वैसा और ब्लॉक करने में हम सेकंड भी नहीं लगाते हैं। आप वीडियो देख पाएगा, कमेंट भी कर पाएगा, लेकिन आपका कमेंट ना हमें दिखेगा ना किसी और को, हमारे यूट्यूब फैमिली को, ठीक है। तो ओके दोस्तों, अभी चलते हैं, बहुत ज़रूरी काम है, इतने ठंड धुंध में। आप सबको सब चीज़ बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक प्लीज़ ख्याल रखें। बाय बाय बाय।